हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक्स टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनटीपीसी लिमिटेड इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 8 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 3.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 7.5% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 11%, 3 महीने में 22%, 6 महीने में 26% और 1 साल के अंदर 39% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक के एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 210 रुपीज। 210 रुपीज इस स्टॉक में एक लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 200 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।